राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2016 नवंबर में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है, और इसी क्रम में रोड शो के अंतर्गत हम लोग देश के कोने कोने में जहां हमारे कृषि से जुड़े उद्योग वाले उद्योगपति है, चाहे कोई भी प्रोसेसर या कोई भी प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन या मैन्युफैक्चरर्स, इनके साथ में हम गेट टुगेदर कर रहे हैं। और आज चूँकि पहला जो हमारा रोड शो था वो बम्बई में आयोजित किया गया था, उसकी काफ़ी सफलता हमें मिली, कई प्रकार के प्रपोजल्स हमें मिल रहे हैं। आज जिस प्रकार हैदराबाद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इस कार्यक्रम में जो जिस प्रकार की यहाँ उपस्थिति है, जो लोग इंटरेस्टेड है एग्रीकल्चर में, क्योंकि राजस्थान उत्पादन उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार का एक हब बन चुका है। आज राजस्थान की यदि हम बात करें तो एक दर्जन से ज़्यादा ऐसे हमारे उत्पाद हैं जो देश में नंबर एक स्थान हम रखते हैं, क्योंकि हम किसी राज्य का कंपटीशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ हमारे राज्य को देश का नंबर वन राज्य कैसे बनाए इसके प्रयास हम करें। चूँकि हमारे अपॉर्चुनिटीज़ है, भले ही राजस्थान की जो हमारी कृषि है वो राजस्थान एग्रीकल्चर इज ए गैम्बल विद ए रैन, हमारी वर्षा आधारित खेती है, लेकिन हमारे किसानों के बलबूते पे हमारी जो मरुधरा है, हमारी जो मातृभूमि है, वहाँ उत्पादन उत्पादकता गुणवत्ता के साथ साथ में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी अच्छी संभावनाएं राजस्थान में है। आज जीरे की बात करें, धनिया की बात करें, तो देश का नंबर एक स्थान हमारे इनमें रखता है। यदि हम मेथी की बात करें, 89 प्रोडक्शन हमारे वहाँ पर हो रहा है। यदि हम गंवार और गंवार गम की बात करते हैं, पूरे विश्व में 72% राजस्थान में अकेले प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया का 81% और विश्व का 72% प्रोडक्शन हमारे राजस्थान में हो रहा है। इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट जैसे मिल्क है, हमारा इतना अच्छा मिल्क, काउ मिल्क भी हम लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि आजकल मिल्क में एडल्ट्रेशन ज़्यादा आ रहा है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो हमारी इंडिजिनस ब्रिड है, राठी, थारपारकर, गिर, कांकरेज और साहिवाल, जो हमारी देशी गोवंश है, उनका मिल्क का प्रोक्योरमेंट भी अभी सरस के डेयरी के माध्यम से हम लोगों ने शुरुआत की है। उसके प्रोडक्ट भी हैं, लगभग 20-25 प्रोडक्ट हमारे हैं, जिनमें छाछ है, लस्सी है, श्रीखंड है, मावा है, इसके अलावा अन्य और प्रोडक्ट हमारे जो है फ्लेवर मिल्क है, इनको हम बढ़ा के धीरे धीरे मार्केटिंग करना चाहते हैं। अभी हमारा जो मावा जो है, या अभी हमारा पनीर है, वो हम दुबई भेज रहे हैं, और सिंगापुर में भी हम लोगों ने हमारे दूध का पहले मार्केटिंग किया है। इसलिए हम सोचते हैं कि देश में ही क्यों ना इसका मार्केटिंग किया जाए। दिल्ली मिल्क सप्लाई के अंतर्गत भी हम लोग दूध दे रहे हैं, पंजाब को भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि सेना में भी 1 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन हम लोग सेना में भी दूध दे रहे हैं, टेट्रा पैक 1 करोड़ लीटर पर ईयर हम लोग सेना को भी दे रहे हैं। इसलिए हमारे दूध की जो गुणवत्ता और विश्वसनीयता है, उसको एक बार मार्केटिंग हम लोग करना चाहते हैं, सबके बीच में जाके इनके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार हमारे वहाँ पर जैसे जैतून है, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जैतून प्रोडक्शन में, क्योंकि स्पेन से, ब्राज़ील से, वहाँ से ऑयल इंपोर्ट किया जाता था, अब हम लोग एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ रहे हैं, क्योंकि उस रेगिस्तान में जहाँ कुछ पैदा नहीं होता था, उसको हम ओलिव में, डेट पाम में, पिस्ता में, ड्रैगन फ्रूट में, इस प्रकार के नवाचार में हम लोग करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं।